मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार। आज महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक योग दर्शन की चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में 195 सूत्र हैं। आज प्रथम अध्याय समाधि पाद के 39वें सूत्र की चर्चा करेंगे। इस सूत्र में कहा गया है यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान करो किसी उस वस्तु पर जिसमें तुम्हारी रुचि हो। महर्षि ने 34वें से 38वें सूत्र तक ध्यान के अनेक उपाय सुझाए हैं। उसमें से जिसको जो उपाय अनुकूल लगे उसका अभ्यास करके चित्त को स्थिर कर लेना चाहिए। यदि इनमें से कोई उपाय अनुकूल ना जान पड़े तो साधक अपनी इच्छा अनुकूल किसी वस्तु को चयनित करके जैसे इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करके अभ्यास करेगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। वस्तुतः यह कह सकते हैं कि चित्त को स्थिर करने के लिए मन को किसी स्थूल मूर्ति में एकाग्र करना चाहिए जो साधक को अत्यंत प्रिय हो। अब वह मूर्ति किसी देवता, गुरु, माता, पिता आदि किसी की भी हो सकती है। स्थूल पदार्थ में मन एकाग्र हो जाता है और निरंतर अभ्यास से वह निरंतर स्थिर भी बना रहता है। ध्यान के अभ्यास में विषय वस्तु के चयन में अभिमत्त का, आकर्षण का एवं गहन रुचि का अत्यंत महत्व है। किसी भी साधक के व्यक्तित्व पर ध्येय को आरोपित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करेंगे तो साधक के लिए ध्यान बोझ समान हो जाएगा। इसीलिए महर्षि ने साधक के अभिमत, आकर्षण एवं रुचि की महत्ता बताई है। यदि ध्यान बोझ बनेगा तो वह व्यायाम के समान हो जाएगा और विश्रांति कदापि नहीं होगी। ध्यान का विषय बनाने के लिए अपनी मान्यताओं, आग्रहों एवं प्रतीकों को अधिक महत्ता दी जाती है। इसीलिए ध्यान के अधिकतर प्रयोग अपना सार्थक परिणाम नहीं देते हैं। ध्यान की सीमा असीमित है और वह किसी बंधनों में बंधी हुई नहीं है। यदि वह बंधी होती तो एकाग्रता आ ही नहीं सकती थी। ध्यान का उद्देश्य उच्च श्रेणी का है। ध्यान से संपूर्ण व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है। ध्यान के लिए प्रक्रिया व वस्तु का चयन साधक के अनुसार और उसके प्रिय या अप्रिय को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के शरीर के अनुरूप उसके लिए औषधि का चयन करता है, साधक को उस वस्तु का चयन करना चाहिए जिसके प्रति उसके मन में गहरी आस्था हो और उसके भाव सहज ही उस ओर बहने लगे। उस वस्तु या विषय वस्तु के चिंतन मात्र से साधक के मन में उल्लास एवं श्रद्धा तरंगित हो उठे, उसका समस्त विचार प्रवाह ध्यान की वस्तु में विलीन होने के लिए आतुर हो उठे। किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब वस्तु या विषय वस्तु साधक के अंतःस्थल के अनुकूल हो। जैसे एक व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय शिव की मूर्ति है तो उसके लिए उसमें उसका ध्यान सहज में लग सकता है। किसी को प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय है तो उसका ध्यान उसमें जल्दी से रम जा सकता है। इसके लिए उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक विचारक का ध्यान किसी दार्शनिक विचार पर अधिक शीघ्रता से एकाग्र हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे जो प्रिय होता है वह उसके अनुकूल होता है और उसके प्रति सहज में वह तल्लीन हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि मनपसंद कार्य करने में थकान नहीं होती है। इसी प्रकार अनुकूल वस्तु में ध्यान भी सहज में लग जाता है। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।